Hello, welcome friends. Welcome to the session of the Unacademy. So today's session is about the community interaction. जो आज का हमारा session होगा friends, वो होगा about the topic of community interaction, जो कि एक बहुत ही important topic है for the CSIR UGC NET examination. Okay? तो मैं आपको इसमें different aspects में चर्चा करूँगा कि क्या important sub topics हैं under this particular topic. तो आइए देखते हैं. शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CSIR UGC NET Examination with India's largest learning platform that is the Unacademy, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, वॉट आई विल गेट, वॉट यू विल गेट, ओके, वैन यू सब्सक्राइब द Unacademy, मुझे क्या मिलेगा जब मैं Unacademy को सब्सक्राइब करूँगा. तो फ्रेंड यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, आप यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस देख सकते हैं, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विज, यहाँ पे टेस्ट और क्विज होते हैं डेली, वो आप अटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा यू विल अटेंड द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा, सब कुछ ऑर्डर में होगा, वो आप देख सकते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी सब्सक्राइब किया है तो पिछली क्लासेस आप नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं तो आप पिछली क्लास भी देख पाएंगे और सब्सक्रिप्शन के दौरान जो आपका टाइम पीरियड है वो भी क्लास देख पाएंगे, आप पास्ट भी देख पाएंगे, प्रेजेंट भी देख पाएंगे, बस फ्यूचर नहीं देख पाएंगे, ठीक है. और इसका सब्सक्रिप्शन जो स्टार्ट होता है हमारा, वो होता है ₹525 पर मंथ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा फीसिबल है. इसके अलावा आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी ऑनलाइन, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स अंडर द CSIR UGC NET कैटेगरी. ऑलराइट, इसके अलावा अपकमिंग कोर्सेज आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली, हर एजुकेटर की प्रोफाइल पे उसके अपकमिंग कोर्सेज डिस्प्ले हो जाते हैं, आप वो चेक कर सकते हैं. वहाँ पे आपको पता लगता रहेगा कि नेक्स्ट मंथ में मुझे कौन सी क्लास देखने को यहाँ पे मिल सकती है और आप अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने घर बैठे आराम से. और हमारा जो सब्सक्रिप्शन का सीनैरियो है फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरह का है. हमारे पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं. क्योंकि अगर अभी जून 2020 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जून 2020 के लिए अभी हार्डली 1 मंथ या 2 मंथ ही रह गया है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो 1 मंथ का या तो 3 मंथ का, ठीक है. यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है एवरी सब्सक्रिप्शन पे, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा अगर आप जून 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब 1 मंथ और 3 मंथ, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा प्लान अभी के लिए. इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अंडर ग्रेजुएशन के होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं और इवन जो PhD में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं, अगर उनके पास वक्त है 1 साल का 2 साल का, तो वो यहाँ पे 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं. उनको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा, अपना काम के साथ करते करते वो क्लास देख सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर. ऑल राइट, यहाँ पर ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमाउंट है सामने हर किसी की, और यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे. ऑलराइट, इट इज़ अबाउट मी, यू कैन सी हियर. उसके अलावा अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद है, इफ़ यू वांट टू लर्न बाय मी ऑन द Unacademy प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं. आप Unacademy वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मेरा नाम सर्च कीजिए, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल अपीयर होगी और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द CSIR लाइफ साइंसेज, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ आंसर करने के लिए. विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा. ऑलराइट, तो आप ये कर सकते हैं. इसके अलावा वहाँ मेरी कुछ फ्री क्लासेस हैं, काफ़ी सारी हैं स्पेशल फ्री क्लासेस, वो आप देख सकते हैं. तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या मिलेगा आफ्टर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन. इसके अलावा आप मुझे YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं ऑन द अनलर्न CSIR UGC NET, एक चैनल है Unacademy का, आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं मुझे. वहाँ पे मेरी कई सारी क्लासेज हैं, वो देख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, पसंद आती है नहीं आती है, जैसी भी आपको लगती है आप अपना कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपडेट रहूँ. ऑलराइट, और लास्ट में फ्रेंड बताना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं Unacademy को ज्वाइन करने के लिए, तो आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है MsalmanLive. अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ऑलराइट, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं जो है अबाउट कम्युनिटी इंटरेक्शन. आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन ठीक लगा होगा और आई होप आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी. अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ मैंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. अगर मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताएं, ठीक है.
ओके चंदा हिमालिया गुड आफ्टरनून, काजू यादव गुड आफ्टरनून, कमल बायोलॉजी अस्सलाम वालेकुम। ओके तो कम्युनिटी इंटरेक्शन शुरू करते हैं जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का। अब देखिए कम्युनिटी इंटरेक्शन तीन तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव इंटरेक्शन, एक होती है नेगेटिव इंटरेक्शन और एक होती है न्यूट्रल इंटरेक्शन। न्यूट्रल इंटरेक्शन को कहते हैं न्यूट्रलिज्म और पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन के सब पार्ट्स होते हैं। कम्युनिटी इंटरेक्शन का मतलब यह है दोस्तों कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट करता है इन द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। किसी एक एनवायरनमेंट में दो ऑर्गेनिज्म है ए और बी, या आप ये कह लो दो कम्युनिटी हैं ए और बी, वो कम्युनिटी आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है उसे कहेंगे हम कम्युनिटी इंटरेक्शन। अब चाहे वो एक दूसरे को मारे, एक दूसरे को सपोर्ट करें या कुछ भी करें, ठीक है। इसी का हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं अंडर द बिहेवियरल इकोलॉजी, वो अलग आता है, ठीक है, उसका अलग टॉपिक होता है। यहाँ पे हम अलग तरह का टॉपिक ले रहे हैं कम्युनिटी इंटरेक्शन का, ठीक है। गुड आफ्टरनून विश्वजीत तिवारी, अश्वनी कुमार। तो देखो पॉजिटिव इंटरेक्शन दो तरह की होती है, एक होती है म्यूचुअलिज्म, दूसरी होती है कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों पार्टनर बेनिफिट करते हैं, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों को फायदा पहुंचता है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्लस प्लस, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान होता है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्लस और जीरो। जो आपका म्यूचुअलिज्म है वो फर्दर दो तरह का होता है, एक होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, दूसरा होता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, या इसका एक नाम और है प्रोटो कॉपरेशन। जैसे आप देख रहे हैं प्रोटो कॉपरेशन है इज अ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म और दूसरा है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ये सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। अगला है आपका नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन दोस्तों तीन तरह का होता है, एक होता है आपका प्लस माइनस, यानी एक स्पीशीज को फायदा दूसरे स्पीशीज को नुकसान, एक होता है माइनस माइनस यानी दोनों स्पीशीज को नुकसान, दोनों को नुकसान हो रहा है, और एक होता है माइनस एंड जीरो यानी कि एक स्पीशीज को तो नुकसान हो रहा है दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो न्यूट्रल है। तीन तरह की होती है, ठीक है। जो प्लस माइनस होती है वो फर्दर दो तरह की होती है, एक होती है पैरासिटिज्म, दूसरी होती है प्रीडेशन। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और दूसरी जो होती है नेगेटिव नेगेटिव, उसे कहते हैं कॉम्पिटिशन। जैसे कि हम कॉम्पिटिशन करते हैं ना, एग्जाम देते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। और जो नेगेटिव और जीरो होती है उसे कहा जाता है अमेंसलिज्म, ठीक है। अमेंसलिज्म, अलीलोपैथी, एंटीबायोसिस, इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन आपका फर्दर दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, एक होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का मतलब है ये एक ही स्पीशीज के अंदर हो रहा है, जैसे ह्यूमन की स्पीशीज है, ह्यूमन के अमंग कॉम्पिटिशन होगा तो मैं बोलूंगा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, और अगर दो अलग अलग स्पीशीज में हो रहा है तो बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं अंडर द लॉटका वोल्टेरा मॉडल। लॉटका वोल्टेरा मॉडल हमें यही बताता है कि अगर दो स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं तो वो कैसे एक दूसरे के बीच कॉम्पिटिशन करेंगी और वो कैसे अपने ही स्पीशीज के अंदर कॉम्पिटिशन करेंगी, ठीक है। तो ये होता है लॉटका वोल्टेरा। तो अभी हम लॉटका वोल्टेरा डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम बाद में करेंगे। अब आ जाओ आगे, जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है वो चार तरह का होता है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है दो स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है यहाँ पे, वो चार तरह का है। एक को कहा जाता है इंटरफेरेंस, दूसरे को कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन, तीसरे को कहा जाता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, मतलब थोड़े से टाइम के लिए कोई ऑर्गेनिज्म कोई स्ट्रेटेजी अपनाता है, कोई चाल चलता है। उसका एग्जाम्पल है गॉस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अगला है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में आता है आपका कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। ये सब हम पढ़ेंगे, एक एक करके शुरुआत करते हैं, डिटेल में सब कुछ पढ़ते हैं, डोंट वरी, ठीक है। आप सब लोगों के मैं आंसर कर दूंगा, आप अपने आपके जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। जब क्लास खत्म हो जाएगी मैं आपके लास्ट के 10 मिनट में सबके आंसर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, ठीक है। म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म है दोनों पार्टनर को बेनिफिट होगा, स्पीशीज ए भी बेनिफिट, स्पीशीज टू भी बेनिफिट। तो ये क्या है, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ मेंबर गेट बेनिफिट। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों मेंबर को फायदा होता है। अब ये फर्दर दो तरह की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक होती है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, दूसरी होती है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है,
ऑब्लिगेट का मतलब है जो स्पीशीज वन और स्पीशीज टू होंगे ना, वो सेपरेटली जिंदा नहीं रह सकते, उनका साथ साथ रहना कंपलसरी है, उनकी क्लोज एसोसिएशन कंपलसरी है। अगर उन दोनों को मैं सेपरेट कर दूंगा तो वो दोनों मर जाएंगे। इस तरह के म्यूचुअलिज्म को कहा जाता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म या कंपलसरी म्यूचुअलिज्म। कंपलसरी का मतलब है अनिवार्य है, मतलब ये काम तो करना करना ही है चाहे जो हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन में, यहाँ पे मैंने लिखा है द ऑर्गेनिजम्स लिव इन क्लोज एसोसिएशन। ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कंपलसरी होता है, दैट इज़ द ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, और वो सेपरेटली जिंदा नहीं रह सकते। ऑल राइट, आगे चलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर एग्जाम्पल्स ही उसका मेन क्या कहूँ मैं, मेन लाइफ होती है किसी भी टॉपिक की। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम और रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूम्स। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान, ठीक है, दौरान राइजोबियम होता है जो लेग्यूम प्लांट के रूट में एंटर कर जाता है इन्फेक्शन थ्रेड बना के। तो वो किस तरह का म्यूचुअलिज्म है, वो ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और उसके बदले में उसको रहने के लिए और न्यूट्रिशन के तौर पे मिलता है प्लांट का मटेरियल, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम, ठीक है। दूसरा है आपका लाइकेन। लाइकेन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे एल्गे और फंगस के बीच में एसोसिएशन होता है, ठीक है। तीसरा है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ होते हैं ना, आपने देखे होंगे समुद्र के बॉटम पे होते हैं वो कोरल रीफ। कोरल रीफ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे एल्गे और नाइडेरियंस, नाइडेरियन आपने पढ़े होंगे, आप में से जो भी जूलॉजी बैकग्राउंड का होगा उसने पढ़ा होगा, आपका फाइलम होता है फाइलम नाइडेरिया, फाइलम सिलेंटिरेटा, जिसमें नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स होते हैं, तो उसके साथ एसोसिएशन शो करता है एल्गी, तो कह देते हैं उसे कोरल रीफ, और वो आपका कौन सा है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। अगला है माइकोराइजा। माइकोराइजा सबको पता है, फंगस और हायर रूट, हायर प्लांट के रूट्स में जो एसोसिएशन होता है उसे कहते हैं माइकोराइजा। माइको मतलब होता है फंगस, राइजा मतलब होता है रूट्स, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल है आपके ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म के। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप है आपका फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, द ऑर्गेनिजम्स लिव इन क्लोज एसोसिएशन। दो ऑर्गेनिज्म क्लोज एसोसिएशन में तो रहेंगे, लेकिन उनका रिलेशनशिप जो होगा ना वो कंपलसरी नहीं होगा। अगर मैं उन दोनों को सेपरेट कर दूंगा वो फिर भी जिंदा रह सकते हैं, मरेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह के म्यूचुअलिज्म को बोलेंगे फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, जो कि ऑब्लिगेटरी नहीं हो और कंपलसरी नहीं हो, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सेपरेटली रह सके, उसे बोलेंगे फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ऑलराइट, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो इसका एग्जाम्पल है सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब। सी एनिमोन का साइंटिफिक नेम है एडम्सिया पैलिएट, और हर्मिट क्रैब का है यू पैगेरस और प्रीडोक्सी, अजीब से नाम होते हैं इनके, ठीक है। तो इनके बीच जो आपका म्यूचुअलिज्म है वो है कैसा, होता क्या है इसमें, इसमें होता है जो सी एनिमोन है प्रोटेक्शन देता है क्रैब को। क्रैब जो होता है ना सी एनिमोन के सर पे जाके बैठ जाता है, उसकी पीठ पे जाके बैठ जाता है, तो वहाँ पे सी एनिमोन प्रोटेक्शन देता है क्रैब को फ्रॉम द एनिमीज, दुश्मनों से, बाय द निमेटोसाइट, निमेटोसिस्ट, क्योंकि सी एनिमोन जो के पास निमेटोसिस्ट होते हैं, नीडोब्लास्ट होते हैं, जिससे वो एक तरह की सुई सी चुभो देता है किसी जानवर में और उसे मार देता है, ठीक है। और जो सी एनिमोन है उसके बदले में क्या लेता है, सी एनिमोन उसके बदले में क्रैब से लेता है खाना पीना, क्रैब उसको खाने के लिए देता है कि लो जी ये खाओ और मुझे बचाओ, और जहाँ जहाँ जाता है सी एनिमोन क्रैब उसके सर पे बैठ के, सर का मतलब है उसकी पीठ पे बैठ के साथ साथ जाता है। तो दोनों के बीच फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म हो रहा है, अगर दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो दोनों मरेंगे नहीं, दोनों जिंदा रहेंगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ऑलराइट, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म का दूसरा नाम है प्रोटो कोऑपरेशन, याद रखिएगा, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म का दूसरा नाम है प्रोटो कोऑपरेशन। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, अब बात करता हूँ आपसे कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरी स्पीशीज को नुकसान नहीं होता और ना ही फायदा होता, मतलब वो एकदम जीरो पे होती है, न्यूट्रल होती है दूसरी स्पीशीज, उसे पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ।
तो ये क्या है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच रिलेशनशिप है इन विच, जिसके अंदर एक स्पीशीज को तो फायदा मिलता है, दूसरी स्पीशीज अनअफेक्टेड होती है, दूसरी स्पीशीज को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो स्पीशीज होती है जिसको फायदा मिलता है उसे बोलते हैं कमेंसल, जिस स्पीशीज को फायदा मिलता है उसे बोलते हैं कमेंशल कमेंसल, और दूसरी स्पीशीज को बोलते हैं होस्ट, वो होस्ट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसके एग्जाम्पल है आपके ठीक है, इसके एग्जाम्पल है आपके एंटामीबा कोलाई, जो आपके हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, कमेंसल बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें बोलते हैं कमेंसल बैक्टीरिया। तो एंटामीबा कोलाई है जो हमारे कमेंसल एक बैक्टीरिया है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमंस की, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है पायलट फिश, जो कंपनी देती है शार्क को इन अ फ्री स्विमिंग मैनर एंड टेक्स द पीस ऑफ फूड दैट ब्रेक ऑफ एज अ शार्क टीयर्स अपार्ट इट्स प्रे। शार्क क्या करती है, शार्क जा रही है तैरती हुई खा रही है अपने शिकार को। अब ये पायलट फिश क्या करती है, पायलट फिश के बस की तो नहीं है शिकार करना, तो ये क्या करेगी, शार्क के जरा से नीचे आ जाएगी और जहाँ जहाँ शार्क जाएगी वहाँ वहाँ साथ जाएगी। इसमें इसका क्या फ़ायदा है, इसमें पायलट फिश को खाना मिल जाता है, क्योंकि शार्क जब अपने शिकार को टीयर ऑफ करता है, उसे ब्रेक करता है पार्ट्स में, तो उसके खाने के टुकड़े नीचे गिरते हैं, ये पायलट फिश उसे पकड़ लेती है और उसको खा लेती है। इस तरह से कमेंसलिज्म होता है शार्क में और पायलट फिश में, ठीक है। शार्क को तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, लेकिन पायलट फिश को खाना मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से, सकर फिश और शार्क, सकर फिश को भी बिल्कुल ऐसे ही फायदा मिलता है। तीसरा एग्जाम्पल है, फिश लिव्स इन द क्लोएका ऑफ द सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके क्लोएका में रहती है फिश, वहाँ पे उसको फ़ायदा मिलता है उस वहाँ पे रहने से, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, फिश लिव्स अमंग द स्पाइंस ऑफ द सी अर्चिन। सी अर्चिन एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके कांटे निकल रहे होते हैं लंबे लंबे, उन कांटों के बीच में जाके बैठ जाती है मछली। मछली को क्या फ़ायदा मिलता है, फिश को फ़ायदा मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है उसे किसी भी तरह के अनवांटेड एनिमी से, लेकिन सी अर्चिन को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, वो तो अपने सर पे कांटे लेके चल रहा है, लेकिन उसको क्या पता क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है ये कमेंसलिज्म का। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आपको फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल है, बर्ड्स रेस्ट एंड नेस्ट ऑन ट्री। चिड़ियाएँ जो होती हैं रेस्ट करती हैं ट्री पे, घोंसला बनाती है, इसमें ट्री को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ट्री को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बर्ड का फायदा हो रहा है, इट इज़ अ कमेंसलिज्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाँ, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म मैंने बताया था। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म आपका होता है द्युति भट्टाचार्य जी, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज क्लोज एसोसिएशन में तो रहती हैं, लेकिन वो सेपरेट होके भी रह सकती हैं, मरेंगी नहीं, ठीक है, उनका साथ रहना ऑब्लिगेटरी नहीं है। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो स्पीशीज साथ रह रही हैं, अब मैं उनको अलग कर दूँ वो मरेंगे नहीं, जबकि ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो स्पीशीज साथ रह रही हैं, अगर मैं उन्हें अलग कर दूंगा तो वो मर जाएंगे। जैसे कि लाइकेन का एग्जांपल है, लाइकेन में एल्गे फंगस है, एल्गे फंगस को अलग कर दो, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते वो, क्योंकि क्लोज एसोसिएशन है उनके अंदर, सिम्बायोसिस है, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ ताकि इधर उधर भागना ना पड़े। अगला है, कुछ एल्गे, कुछ फर्न होते हैं टेरिडोफाइट्स, कुछ ऑर्किड ग्रो करते हैं लार्ज प्लांट पे एज अ एपीफाइट, उन्हें कहते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट समझ लो क्या होता है फ्रेंड्स, एपीफाइट होता है जब एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा हो, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है CSIR में पार्ट बी में, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल दिया था जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल लिख दिया था क्वेश्चन में, पूछा था कि भाई बताओ कौन सा एसोसिएशन हो रहा है, तो ऑप्शन थे अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन वगैरह वगैरह, आंसर था कमेंसलिज्म, ठीक है। अगला है, स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस लिव्स ऑन ह्यूमन स्किन। हमारी जो त्वचा होती है, हमारी जो स्किन होती है, इस पर कई तरह के बैक्टीरिया हार्बर करते हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस वो हमारी स्किन पे रहता है, ठीक है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म,
हमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, हमारे कितने बैक्टीरिया रह रहे हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमें न्यूट्रिशन खा रहा है हमारी स्किन पर से, ग्रो कर रहा है हमारी स्किन पे, जैसे कि अगार प्लेट पे ग्रो करता है, हमें दिखता तो नहीं है हालांकि, लेकिन ऐसा होता है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, कमेंसलिज्म, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है कैटल ईग्रेट और ग्रेजिंग कैटल। ग्रेजिंग कैटल होती हैं, चारा खा रहे हैं कहीं पशु खड़े होके, उसके ऊपर चिड़ियाएं आके बैठ गई। अब चिड़ियाएं क्या कर रही हैं, उन पशुओं के ऊपर से कुछ लगे हुए हैं उनके ऊपर टीक्स, कुछ सम काइंड ऑफ इंसेक्ट्स उनको खा रही हैं, तो इनमें फ़ायदा तो हो नहीं रहा उसका, कैटल ईग्रेट का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है क्लाउन फिश लिव्स बिटवीन द स्टिंजिन टेंटेंकल्स ऑफ द सी एनिमॉन। अगेन दिस इज द एग्जाम्पल सिमिलर टू द हर्मिट क्रैब एंड द सी एनिमॉन। इसमें क्या हो जाएगा, क्लाउन फिश होगी, जो जोकर फिश होगी, वो सी एनिमॉन के टेंटेकल्स के बीच में जाके बैठ जाएगी, और टेंटेकल जो होते हैं एक तरह के हथियार होते हैं सी एनिमॉन के, ये प्रोटेक्शन दे करते हैं सी एनिमॉन की, और अगर इन टेंटेकल्स में जाके कोई फिश बैठ जाती है तो उस फिश को भी मदद मिलेगी, उस फिश को भी फायदा मिलेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, ठीक है जी। तो हमने अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स पढ़े कमेंसलिज्म के, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। अब आता है न्यूट्रलिज्म पे। न्यूट्रलिज्म का मतलब है, दोनों स्पीशीज जो है न्यूट्रल है, ना स्पीशीज वन को फायदा हो रहा ना स्पीशीज टू को फायदा हो रहा। तो ये क्या है, इट इज ए स्पीशीज मे नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में दो स्पीशीज रहती हैं, ए और बी, दोनों को फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे के रहने से, इसे बोलते हैं न्यूट्रलिज्म है दोनों के बीच में। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो समझ में नहीं आएगा हमें। इसका एग्जाम्पल है श्रीव, रैट और रैबिट। ये तीनों के तीनों जो ऑर्गेनिज्म है ये एक साथ रहते हैं घास के मैदानों में, दे लिव्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास के मैदानों के इकोसिस्टम में साथ रहते हैं चूहा, रैबिट और श्रीव, लेकिन एक दूसरे को छेड़ते नहीं है, एक दूसरे से ना कोई मतलब नहीं है। रैबिट की रिक्वायरमेंट अलग है, रैट की रिक्वायरमेंट अलग है और श्रीव की रिक्वायरमेंट अलग है। तो मैं कहूँगा इन तीनों के बीच में न्यूट्रलिज्म है। क्या है, इन तीनों के बीच न्यूट्रलिज्म है, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है दोस्तों फ्रूगीवरस और इंसेक्टिवरस बर्ड्स। फ्रूगीवरस का मतलब है ऐसी चिड़िया जो फ्रूट को खाती होगी, इंसेक्टिवरस का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसी चिड़िया जो इंसेक्ट को खाए। अब किसी पर्टिकुलर जंगल में, किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर दोनों तरह की चिड़ियाएं हैं, एक खाती है फ्रूट, एक खाती है इंसेक्ट, तो दोनों को एक दूसरे से क्या मतलब है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रलिज्म, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रलिज्म बिटवीन द टू बर्ड्स। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं अगले पे, अगला है पैरासिटिज्म, ठीक है, अगला है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरी स्पीशीज को नुकसान होता है, यहाँ पे प्लस और नेगेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है, इन विच जिसके अंदर एक स्पीशीज को तो फायदा मिलता है। कैसे फायदा मिलता है, एक स्पीशीज ग्रो करती है और रिप्रोडक्शन करती है, जबकि दूसरी स्पीशीज को नुकसान होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यह है पैरासिटिज्म, प्रीडेशन से डिफरेंट होता है। प्रीडेशन में भी सेम चीज होती है, प्रीडेशन में भी एक स्पीशीज को फायदा एक को नुकसान होता है, लेकिन इट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। मैं दोनों के बीच डिफरेंस करवाऊंगा आपको, ठीक है, ये तो रही एक बात। दूसरा बात, जो स्पीशीज होती है जिसको फायदा मिलता है उसे कहते हैं पैरासाइट या फिर पैरासीटॉइड। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड पैरासीटॉइड, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। और दूसरी स्पीशीज जिसको नुकसान हो रहा होता है उसे बोलते हैं होस्ट, ठीक है जी। आगे चलता हूं, अब देखो होस्ट की बात करी मैंने आपसे, होस्ट दो तरह के होते हैं, देर आर टू काइंड ऑफ होस्ट। एक को कहा जाता है डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट, दूसरे को कहा जाता है इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, दो तरह के होते हैं। चलो दोनों में डिफरेंस देखते हैं, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट किसे कहते हैं, इट इज द होस्ट इन विच पैरासाइट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो होस्ट हैं, एक पैरासाइट को दो होस्ट चाहिए,
अगर पैरासाइट किसी होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो मैं बोलूंगा वो प्राइमरी होस्ट है, तो मैं बोलूंगा वो डेफिनेटिव होस्ट है, ठीक है। दूसरा होस्ट है सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट, ये वो होस्ट है जिसमें पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो जिस होस्ट में पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो प्राइमरी होस्ट होगा, और जिस होस्ट के अंदर पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा वो आपका सेकेंडरी होस्ट होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो समझ में नहीं आएगा। तो प्राइमरी होस्ट का एग्जाम्पल है, आपने मलेरियल पैरासाइट के बारे में सुना होगा, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी आपने 10+2 में, आई एम वेरी श्योर। तो उसमें क्या था, ह्यूमन होस्ट था मलेरियल पैरासाइट का प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी ह्यूमन के आरबीसी के अंदर, अगर आपको याद हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमन के आरबीसी में। तो ह्यूमन है प्राइमरी होस्ट फॉर द प्लाज्मोडियम, लेकिन सेकेंडरी होस्ट क्या है फिर इसका, इसका सेकेंडरी होस्ट है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो था वहां पे नहीं हो रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का, वो है इंटरमीडिएट होस्ट, वो है सेकेंडरी होस्ट, और आपका ह्यूमन है आपका प्राइमरी होस्ट। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोम्स। ट्राइपैनोसोम्स डिजीज कर देते हैं हमारे अंदर, तो ट्राइपैनोसोम्स का आपका प्राइमरी होस्ट होता है उसका, और उसका सेकेंडरी होस्ट भी होता है, ठीक है। और सी सी फ्लाई के द्वारा ये फैलाया जाता है, सी सी फ्लाई याद रखना, सी सी फ्लाई जो है ट्राइपैनोसोम्स का वेक्टर है। जैसे फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो प्लाज्मोडियम का वेक्टर है, बिल्कुल इसी तरह से सी सी फ्लाई ट्राइपैनोसोम्स का वेक्टर है। एग्जामिनेशन के अंदर मैच द फॉलोइंग आते हैं इसके ऊपर, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में काम आएंगी। दोबारा बोलता हूँ, सी सी फ्लाई ट्राइपैनोसोम्स का वेक्टर है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम का वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। और भी होते हैं क्यूलेक्स फैटिगन और एडीज इजैप्टी, कई तरह के मस्कीटो होते हैं जो ट्रांस जो वेक्टर का काम करते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पैरासिटॉइड की, क्योंकि भाई आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा पैरासिटॉइड क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, पैरासिटॉइड होता है एक ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट के अंदर ग्रो करे या होस्ट के ऊपर ग्रो करे, लेकिन ग्रो करते करते होस्ट को मार दे। दोबारा बोलता हूं, पैरासिटॉइड एक ऐसा पैरासाइट होता है जो अपने होस्ट के या तो ऊपर ग्रो करे या तो अंदर ग्रो करे, और ग्रोथ के दौरान मार दे अपने होस्ट को, अपने होस्ट को किल कर दे, उसे बोलते हैं पैरासिटॉइड। लेकिन जो नॉर्मल पैरासाइट होते हैं ना, वो अपने होस्ट को किल नहीं करते। ध्यान रखना, नॉर्मल पैरासाइट अपने होस्ट को किल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा किल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसका रीजन ये है, अगर वो उसको किल कर देगा तो वो खाएगा क्या? अगर आप उसी मुर्गी को मार दोगे जो आपको डेली अंडे दे रही है तो आप खाओगे क्या? तो पैरासिटॉइड यही करता है, मार देता है उसको। क्यों मार देता है, इसका रीजन हम पढ़ते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी के अंदर। बिहेवियरल इकोलॉजी में कई तरह के इंटरेक्शंस होते हैं डिफरेंट, वहां पे हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। वहां पे हैमिल्टन रूल अप्लाई हो जाता है, तो हैमिल्टन रूल अप्लाई हो जाता है इसलिए वहां पे समझ में आता है पैरासिटॉइड आखिर कोई पैरासाइट करता क्यों है। तो मैं ये आपको वहां बताऊंगा, ठीक है। पैरासिटॉइड समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या है पैरासिटॉइड? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स द एंटायर लाइफ, जो अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं ऑन और विद इन द होस्ट, अपने होस्ट के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं और अंत में उसको मार देते हैं, इवेंचुअली किल्स और रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द होस्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं, 0.1% भी शंका नहीं होनी चाहिए मन में, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। फ्रेंड्स, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम मैं ज़्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसका मैं सेकेंड पार्ट ले आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम मैं 2-3 और स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको। एक है आपका टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कई तरह के होते हैं, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, पैरासिटॉइड, पैरासाइट वगैरह वगैरह। एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं? एक्टो पैरासाइट होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं, उसके अंदर नहीं घुसते, उसकी स्किन पे रहेंगे, ठीक है। द पैरासाइट दैट लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, होस्ट के सरफेस पे रहते हैं, जैसे कि जुएं, ह्यूमंस को जुएं लग जाती हैं सर में,
तो वो लाइस होती हैं, वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है। दूसरे हैं माइट्स एंड टिक्स, जानवरों में होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं, ठीक है जी। अगला है एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स क्या होता है, दीज आर द पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर रहेंगे ये, उन्हें बोलते हैं एंडोपैरासाइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, फिश वॉर्म, फाइलेरियल वॉर्म, देर आर अ नंबर ऑफ वॉर्म्स फाउंड इन द इकोलॉजिकल सिस्टम और बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम मैं इतना ही कर पाऊंगा आज के लिए, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट लेकर आ जाऊंगा, आप वहाँ पर कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग कोर्सेज लेकर आऊँगा मैं अल्टरनेटिव डेज में, तो अब तक के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। और जाने से पहले मैं आपको एक बार अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो यहाँ पे आप 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month का सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरे अभी ऑनगोइंग लेसन चल रहे हैं अनअकैडमी पर, आप वो देख सकते हैं, इकोलॉजी के हैं, माइक्रोबियल जेनेटिक्स के हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हैं, इम्यूनोलॉजी के हैं, कई सारे हैं, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को अनअकैडमी प्रोफाइल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपके मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपका कोई फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे अनअकैडमी पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द कोविड 19। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।